तो आज मैंने भी सीट बेल्ट लगाई हूँ, मार के बोले लगा लो सेफ्टी है। ये मेरे बहुत शौक से ब्लॉग देखते, सुबह से बाद ही ब्लॉग बनाओ। सो है गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है और स्वस्थ है। तो गाइज हमारी सुबह हो चुकी है और हमारा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 और हम जैसा कि आप देख सकते हैं हम एकदम रेडी है। और अभी आज हम जा रहे हैं, शबनम को मुझे छोड़ना है वहाँ एयरपोर्ट के पास लेके जाके, क्योंकि वो जा रहे हैं पावर लूम जहाँ मतलब दुल्हन के घर पे जा रहे हैं, तो उनको मेहंदी लगाना है ब्राइडल को। तो ये अल्ताफ की शादी है, आप लोगों को तो बताया हम लोगों ने, तो उसकी जुमा के दिन उसका निकाह है और आज समझो ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए शबनम जा रहे हैं। तो लोग भी अपने लोग ही है, ये भी अपने ही है, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा। तो मैं इनको वहाँ छोड़ूंगा और वहाँ से देखते हैं कैसा क्या रहेगा। महात की तबीयत में अभी थोड़ा सुधार है अल्हम्दुलिल्लाह, कल दवा पानी लेने के बाद आज थोड़ा महात को अच्छा लग रहा है, तो मस्त है अभी। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह उसको भी उठा दिए और मेरा बच्चा आज जल्दी उठ गया और यहाँ पर खेल में लग गया है। देखो महात सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो एक बार, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज चलिए फटाफट, सब चीज़ें हो गई है घर की, हर चीज़ हो गई, बस अब यहाँ से हमें निकलना है। और शबनम ने महात को चेंज भी करा दिए है, उनका हगीज़ भी चेंज करा दिए, उनका नाश्ता पानी हर चीज़ हो चुकी है, बस शबनम जा रहे हैं बुरखा पहनने और हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए पावर लूम मतलब। तो चलिए चलते हैं फटाफट बिना देरी। सो गाइज हम निकल रहे हैं अभी, घर में ताला लगा दी, तो पहले वो नीचे उतर गए, चले मैं नीचे उतर रही हूँ, सबसे पहले मैं हाथ ली चीज वगैरह लूंगी फिर निकलूंगी। माँ हाथ सो गाइज हम निकल चुके हैं और हम कार से जा रहे हैं क्योंकि 2 दिन हो गया मतलब चलाए निकाले नहीं थे उसको, और तो इसको मतलब ऐसे 1-2 दिन का माथ के अबू निकालते रहते हैं। और देखो इसको चीज दिलाई तो इसने अभी ही पूरी सत्यानाश कर दिया और फिर वहाँ पे बैठ के रोएगा और मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा वहाँ पे कि मैं तेरे पीछे लगू, मतलब समझा ना। अभी इसको सीटी बजाने आ रहा नहीं है, देख सीटी, देख देख नहीं बजता, तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है कितना नहीं पहुँचने में। 10 बजे करेंट हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैंने बोली थी वहाँ पे पहुँच जाएंगे पर मैं वीडियो भी अपलोड ये सब करने का था ना, पीछे बहुत सारे काम रहते हैं, तो नहीं वीडियो अपलोड एडिटिंग ये सब करना था, इसलिए हम अपन जितना जल्दी मैनेज करके निकल जाते हैं। हर जगह मैं ऑटो पे ना मतलब बहुत जल्दी जाती हूँ, क्यों मैं जल्दी जाती हूँ, मेरा रीज़न ये है मैं सुबह इससे निकलती हूँ क्योंकि मेहंदी लगाने में टाइम लगता है और टाइम पास भी बहुत होता है क्योंकि मेरा एक बच्चा है, तो कभी उसने ये करा कभी उसने ये किया उसको ये खिलाओ वो करो तो मेरा उसमें टाइम जाता है, तो मैं जो सुबह से जाती हूँ तो शाम तक का मैं कर लेती हूँ ऑर्डर कम्प्लीट और फैमिली के साथ तो टेंशन नहीं है। क्या हो गया, सिटी बजाओ सिटी, तो चलो वास्ते पढ़ा, हाँ पढ़ ली मैंने, तो आज मैंने भी सीट बेल्ट लगाई हूँ, मार के बोले लगा लो सेफ्टी है, हाँ। और मेरी बेटी को नहीं लगाएंगे सीट बेल्ट, देखो यहाँ पे डीजे ऑपरेटर महान। तो मैं पहुँच चुकी थी और मैंने डिज़ाइन लगा दी, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी डिज़ाइन लग रही थी और उनको भी बहुत पसंद आई, एक आगे हो गया फिर मैंने पीछे भी लगा डाली फटाफट, और उनका हस्बैंड का नाम और उनका नाम लिखी थी और पैर पे भी लगाई। देख सकते हैं आप लोग कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मतलब इसमें मुझे 8 घंटा लगा था ये दोनों। सो गाइस कल हमने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करे थे, हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रही, तो हम वहाँ से आए और मतलब मैं बहुत थक चुकी थी और कुछ बनाया नहीं और वो भी मतलब चले गए थे थोड़ा बाहर, तो अभी मैं गई थी उनके घर पे दूल्हे राजा के घर पे, उनके घर पे मेहंदी लगा के आई, अभी मुझे वापस जाना है मेहंदी लगाने के लिए और बारिश हो गई और हमने टैंकर मंगाए हैं। मैं बताती हूँ नीचे का माहौल क्या है, देखो इतना अच्छा था धूप था, अचानक से बारिश हो रही है और अभी टैंकर अभी तक आया नहीं क्योंकि मंडप है, थोड़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे नीचे बन रहा है खाना, तो सब ढक वक दिए अभी
क्या है बिट्टू? बारिश आ रही? बारिश आ रही? हाँ। तो अभी इतनी बारिश में कैसे बनेगा खाना, क्या पता। तो मम्मी क्या? हाँ, मेरा बेटा बारिश आ रही कैसे बोल रहा है। हाँ, और मुझे अभी भाभी को भी मेहंदी लगाने का है, वो बेचारे काम में लगे थे। तो मैं बोली मैं जाके मैं भी घर का पानी यानी भर के फिर मैं आती हूँ। तो मैं पानी यानी भरने के बाद जाऊँगी, मैं आपके अबू नहीं है तो अयान ही मतलब पानी थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा बेचारे को। तो उसको बोले तो बोला हाँ मैं चढ़ा दूंगा, बच्चा बेचारा अभी चढ़ा देगा ऊपर पानी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए, है ना मम्मा? बारिश आ रही है, तुम पानी में हाथ डाल रहे हो। हाँ बारिश आ रही है। ये फिर मैं आ गई भाई के घर पे और मैंने सबको मेहंदी लगा दी और मैंने भाभी को भी लगाई थी, पर वो मैंने शूट नहीं कर पाई। दो लोग का शूट कर पाई, बाकी भाभी का शूट नहीं कर पाई, उनको क्योंकि रात में लगाई। सो गाइस, मैं मेहंदी लगा के आ गई और मैं रेडी हो गई और अभी मैं जा रही हूँ साचक में उनके घर पे और मैं आपके अबू भी आगम करते। तो चले अभी निकलते हैं फटाफट से, फिर आने के बाद मुझे भाभी को भी मेहंदी लगानी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वाला नकाब पहनी हूँ, बहुत दिन बाद पहनी हूँ, मतलब मुझको ज़्यादा नहीं पहनती हूँ कि ख़राब वराब ना हो जाए। चलो निकलते हैं। और ये इसका तो ये बंद नहीं रहता है, आजकल फास्ट करना क्या सीख गया है, जब देखो जब फास्ट करते रहता है, होता आपका। चलो सो गाइस, मैं आ गया और रेडी भी हो गया मैं मस्त एकदम। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं साचक के लिए, तो चलते हैं हम वहाँ, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर, हो सकता है फिर लोग ही रहेंगे, क्योंकि लेडीज रहेगी तो फिर मैं क्या करूँगा अंदर जाके। तो चलिए गाइज निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं वहाँ पर। सो गाइज, हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं और मैं कुछ बच्चियों से मिलाऊंगी आप लोगों को। एक है उसमें से जो मतलब शादी में आया ना भाई के घर पे, उनमें से मतलब सारे लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, एक तो बहुत शौक से देखती है और उसका छोटाला भाई, तो उन लोग को मैं ब्लॉग में लूँगी। उन लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रहे हैं भाभी लो 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 करके, तो मैं बोली बिंदास आप लोग आएंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। तो उनके अब्बा ने भी बोले लो मेरे बेटे को और इसको, तो अभी मैं जाऊँगी वो मिलेगी ना तो मैं आप लोगों से उसको मिलाऊँगी, ठीक है। तो चले, और मैंने उन लोगों को ही मेहंदी वगैरह लगाई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिज़ाइन सबको पसंद आई, बहुत लोग मतलब पसंद करते उसे। आज भी जब मैं लगा रही थी ना, मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे माशाल्लाह। शुक्रिया। देखो ये मेरा काम है, मतलब काम है मेरा ये चीज़, और अभी उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। तो चले, औरत में हिम्मत ही ऐसी होती है, औरतें पीछे नहीं हटती है। तो चले अभी पहले पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है क्या है, तो मैं जो लोग व्लॉग में आना चाहेंगे मैं उन लोगों से मिलाऊंगी। सो हम लोग पहुँच चुके हैं, क्या नाम है तुम्हारा? जुल्फा। और ये हमारे व्लॉग देखते ना, हाँ क्या रहते आप लोग? ये मेरे बहुत शौक से व्लॉग देखते, सुबह से भाभी व्लॉग बनाओ। तो लोग फाइनली व्लॉग बना ली, इनका भाई अभी आया नहीं, वो मस्ती कर रहा है, कहाँ पर है क्या मानी, बोलो कुछ कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग? अच्छे लगते हैं ना? मैं कैसी लगती हूँ तुमको? वो शर्मा रही, जब से इतने पीछे पड़ी थी अब बोल रही नहीं है, बोल दे कुछ। तो चले अभी सब अंदर तैयारी चालू है ना अपनी, चलो मिलते थोड़ी देर से। देखो बेबी, ये नीचे नहीं बैठना, हाँ अल्लाह, देख मैं जैसे नीचे नहीं बैठना, देखो नहीं गंदा हो गया। सो गाइज, हम लोग आए थे यहाँ पर और सब रसम रिवाज सब हो चुके हैं और मैं गली में खड़ा था तो ये कुछ बच्चे मिले यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? दानियाल। तो कैसे क्या पहचाने आपने मेरे को? अच्छा माशाल्लाह, तो ये बच्चे लोग ब्लॉग देख रहे थे तो इसने मेरे को देखा तो नोटिस किया और ये बच्चा एक घंटे से इधर ही है ना। कहाँ रहते आप? तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शादी। अच्छा, लोग देखते हैं ये दोनों।
रोज देखते हैं शारमीन के साथ बैठ के। अच्छा तो हो गया सब? सब हो गया। हाँ, दानियाल क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। कल तो से हम लोग बोल रहे आने का, पर मैं ले नहीं पाई, टाइम नहीं रहा। कैसा लगा दानियाल तुमको मिले तो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, और अभी निकलते हैं फटाफट, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग अभी निकलते हैं।